हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल ब्लॉग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं दीपक अग्रवाल लेकर आया हूँ आपके लिए फिर एक नई वीडियो देखा। तो आज हम जहाँ जाने वाले हैं, कहते हैं वहाँ स्वर्ग से हवा आती है, तो चलो लेकर चलते हैं आज हम आपको। तो आप इस जगह को देख के अंदाजा लगा ही चुके होंगे कि हम कहाँ जाने वाले हैं। तो हम आज जाने वाले हैं 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा केदारनाथ धाम। तो केदारनाथ आने के लिए कैसे आएं? सबसे पहले आप किसी भी सिटी से हों, सबसे पहले आपको आना पड़ेगा हरिद्वार। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर से ही बस अड्डे से आपको सोनप्रयाग के लिए बस मिल जाएगी। इस वक्त हम सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं, यहाँ से गौरीकुंड के लिए हमें आके टैक्सी मिलेगी। टैक्सी स्टैंड अब जो है सोनप्रयाग से आगे आधी किलोमीटर दूर कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा रश होने के कारण पार्किंग फुल हो जाती थी। तो अब यहाँ से हमें टैक्सी पकड़नी है और आगे हमें जाना है गौरीकुंड। तो ये नीचे आप देख रहे हैं, ये है मंदाग्नी रिवर जो कि आ रही है केदारनाथ धाम। तो अब हमें इसी के साथ साथ जाना है हमें ऊपर। ये टैक्सी स्टैंड, यहाँ से जाना पड़ेगा गौरीकुंड। गौरीकुंड जाने के लिए यहाँ पे थोड़ी बार्गेनिंग भी हो जाती है। 50 रुपीज़ में हमें ये मिली है टैक्सी, हमें छोड़ेगी गौरीकुंड में। उससे आगे की यात्रा हमें पैदल ही करनी पड़ेगी। सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर की दूरी पे है और उसके बाद हमारी पैदल की यात्रा स्टार्ट होती है, जो कि केदारनाथ तक पैदल ही है। इस वक्त हम गौरीकुंड पहुंच चुके हैं और इसी जगह पे केदारनाथ मूवी की भी शूटिंग हुई थी। ये आ गए हैं हम घोड़ा पड़ाव। यहाँ से हम या तो ऊपर केदारनाथ के लिए डायरेक्ट, नहीं तो रामबाड़ा तक के लिए यहाँ पे हमको घोड़े खच्चर मिल जाएंगे, जो कि पैसों की बात नहीं कर रहे हो तो वो कम ज़्यादा कर सकते हैं।
1800 के लगभग शायद हो गए हैं। बढ़ते हैं आगे धीरे धीरे। तो ये आ गया है एंट्री गेट और यहीं से ही होती है असली चढ़ाई स्टार्ट। थोड़ी बहुत फिसलन है यहाँ पे, आपको जगह जगह ऐसे झरने देखने को मिलेंगे। जो कि इस सफर को और भी अच्छा बना देते। जय बाबा केदारनाथ। भाई थोड़ा बच्चे, इनसे भी ज़्यादा दिक्कत होती है अगर ये बाई चांस पैर पे चढ़ गए तो काफ़ी। देख रहे हो ऐसे जगह जगह मिलेंगे जो और भी सफर को और रोमांचक बना देते हैं, मजा भी आता है थोड़ा। यहाँ थोड़ा थोड़ा बैठ कर चले, खाते पीते चले तो यात्रा थोड़ी आसान हो जाती है, नहीं तो चढ़ाई इतनी है कि थकावट बहुत हो जाती है। कोशिश करते हैं हम ऊपर तक पहुंच ही जाएं, क्योंकि हम लेट हो गए थे थोड़ा, 1:30 बजे हम चले थे वहाँ पे नीचे से। देखते हैं जहाँ तक चढ़ते हैं, फिर रेस्ट करेंगे थोड़ा।
देख रहे हो मजा ही आ गया सफर का। चल तो रानी यहाँ यार ये लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है कि यहाँ बैठना सकता है पत्थर का भी देख सकता है। यहाँ जिसमें मत पाई जा रहा है हेलीकॉप्टर यहाँ पे हर दोनों मिनट की दूरी पे एक जाता है दूसरा आता है एक जाता है दूसरा आता है। इतनी जल्दी जल्दी ये अप डाउन कर रहे हैं हम रामबाड़ा पहुंच चुके हैं और शाम थोड़ी सी हो चुकी है, थोड़ी बहुत देर में अब अंधेरा भी होने लग जाएगा। देखते हैं जितना जहाँ तक जा पाते हैं चलेंगे, इनसे थोड़ा बचकर ही रहें। एक तो पुल इतना छोटा है फिर ऊपर से एक रास्ता बना साइड होकर चलना।
देख रहे हो, अभी हमने वहाँ सामने जाना है। और दिन ढलने ही लगा है, थकावट भी बहुत हो चुकी है। हम देखते हैं जहाँ अगर कोई मिलेगा साधन रुकेंगे, चलते हैं धीरे धीरे थोड़ा सा। यहाँ से केदारनाथ अभी 8.5 किलोमीटर दूर। बाबा बुला लो जल्दी। रात हो चुकी है, जैसे तैसे चल के हम रात तक आ गए हैं केदारनाथ धाम। दिखाते हैं थोड़ी बहुत आपको, भीड़ बहुत ज़्यादा है इस वक्त। यहाँ थोड़ा अभी काम चल रहा है, होटल वोटल थोड़े बन रहे हैं। और रास्ता पहले हम पहले आए थे, हम तो आगे से रास्ता था, अब ये बैक से दे दिया थोड़ा ना आगे रास्ता, वो थोड़ा बन रहा है ना यहाँ से। देखते हैं आगे चल के क्या क्या सीन है, क्या बदला है यहाँ पे। वो जो कह रहे थे तुम, काम चल ही रहा है अभी भी, लाइन अभी भी लाइन लगी हुई है। भाई सामने केदारनाथ धाम, अभी रात हो रही है तो फिर इतना भी बोल नहीं कर, आपको सुबह होते ही दिखाएंगे हम, सुबह होने का इंतजार करते हैं। और सुबह हो चुकी है और नज़ारे देखो अभी यहाँ के, और इतनी लंबी लाइन में हम लगे हुए हैं, पता नहीं कब तक आएगा नंबर। सामने हिमालय, आखिरकार 6 घंटे लाइन में लगने के बाद हमारा नंबर आया और हमने बाबा केदारनाथ के दर्शन करे। भीड़ बहुत ज़्यादा है, कोई नहीं, जय बाबा केदारनाथ। पीछे हिमालय, बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के बाद मानता यह है जब तक भैरव के दर्शन ना करो तो यात्रा अधूरी है। तो हम चलते हैं अब भैरव पे। भैरव ज़्यादा दूर नहीं, 500 मीटर की चौड़ाई पे है सामने, ऊपर बाबा भैरव। चलते हैं दिखाते हैं आपको आगे, जय बाबा भैरव की।
सामने बाबा भैरवनाथ, जय बाबा। पूरा आ रहा है चटाओं से है झिंक जल प्रवाह, मात गंग का गले में झिंक सज रहा है, विश्व भुजंग का दमन दमन दमद डमरू कह रहा, शिव शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा, शिव शिवम वे नंदनी के वंदनी नंदनी स्वरूप है, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप है, कृपालु ऐसे है कि चित्त जप रहा शिव शिवम, धरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। ये बाबा भैरवनाथ, ये बाबा। तो गाइस आज की वीडियो इतनी ही, बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। सामने केदारनाथ बाबा। और गाइस मेरी अगर कोई वीडियो आपको अगर कोई गलती नज़र आए तो बता दीजिएगा मेरे को कमेंट में। तो कर ले भाई, जय भैरव बाबा, कर ले भरा चल के।